हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द मैन हु न्यू टू मच। द मैन की एक आदमी एक व्यक्ति हु न्यू टू मच जो कि बहुत अधिक जानता हो, आवश्यकता से अधिक जानने वाला एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा जानता हो। तो हमेशा जो बहुत ज्यादा जानने की जो बात होती है वो हमेशा आगे बढ़ाने की बजाय कई बार क्या होता है कि वो पीछे भी उसको ले आती है, और किस प्रकार से ले आती है वो हमें इस चैप्टर के थ्रू पता चलेगा। कि हर जगह अपनी इंटेलिजेंसी को दिखाना, हर जगह अपने आप को शो करना कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो वो चीज क्या होती है कि कई बार वो अपमान के रूप में भी उसको उसका रिजल्ट है वो मिल जाता है। कई बार उसको मतलब उसको उत्साहित करने के बजाय उसको डीमोटिवेट है वो कर दिया जाता है, उसको नीचे गिरा दिया जाता है, उसका पतन भी हो जाता है। तो यही चीज इस चैप्टर के थ्रू बताई गई है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आई फर्स्ट मेट प्राइवेट क्वेल्च एट द ट्रेनिंग डिपो। तो इस चैप्टर के जो राइटर है वो अलेक्जेंडर बैरन जिन्होंने लिखा है। ये जो आई है, जो फर्स्ट पर्सन आया है वो राइटर के लिए आया कि आई फर्स्ट मेट प्राइवेट क्वेल्च, कि मैं सबसे पहली बार जो प्राइवेट क्वेल्च है उनसे मिला। ये व्यक्ति का नाम है प्राइवेट क्वेल्च एट द ट्रेनिंग डिपो, कि मैं सबसे पहले प्राइवेट क्वेल्च से ट्रेनिंग डिपो पे मिला। जो ट्रेनिंग डिपो मतलब जो प्रशिक्षण करने का जो केंद्र होता है वहां पर मिला। ए मैन इज लायबल टू एक्वायर इन हिज फर्स्ट वीक ऑफ आर्मी टूगेदर विद हिज यूनिफॉर्म राइफल एंड इक्विपमेंट एंड निकनेम। कि ए मैन इज लायबल, कि एक ऐसा आदमी जो कि लायबल मतलब जो कि योग्य था, जिसको मतलब एक तरीके से लायबल टू मतलब कोई भी चीज है जो अनुभव आदि मिलने की संभावना हो, जिससे अपने को कोई चीज है वो उससे मिल सके, कोई चीज का नॉलेज हो उसकी। कि ए मैन इज लायबल, एक आदमी जिससे की संभावना रहे कुछ प्राप्त करने की, एक्वायर होता है प्राप्त करना, इन हिज फर्स्ट वीक ऑफ आर्मी लाइफ। कि एक आदमी को अपने जो जीवन का जो फर्स्ट वीक है, आर्मी लाइफ का जो अपना सैन्य जीवन का जो फर्स्ट वीक है, सैन्य जीवन का जो पहला सप्ताह है, उसमें अपनी यूनिफॉर्म, अपनी राइफल और जो इक्विपमेंट मतलब जो अन्य सामग्री है उनके साथ साथ एक निकनेम मतलब एक जो उपनाम होता है वो भी पाने की संभावना रहती है। कि प्राइवेट क्वेल से मैं सबसे पहली बार देखो ट्रेनिंग डिपो पे मिला। और एक आदमी जो होता है, एक व्यक्ति जो होता है, तो अपने आर्मी जीवन के पहले सप्ताह में उसकी इच्छा रहती है क्या कि उसको यूनिफॉर्म मिले, राइफल मिले, इक्विपमेंट मिले, उसको जो अन्य सामग्री होती है वो मिले और साथ साथ एक निकनेम भी मिले। Anyone who saw Private Quelch lanky, stooping, frowning through horn-rimmed spectacles understood why he was known as the professor. कि anyone who saw Private Quelch, कि कोई भी व्यक्ति जो Private Quelch को देखता, किस प्रकार से लैंकी एकदम लंबा दुबला पतला, stooping झुका हुआ, frowning मतलब एकदम से कमजोर सा, through horn-rimmed spectacles, तो अपना जो horn-rimmed spectacles, spectacles चश्मा होता है, रिम यानी जो फ्रेम वगैरह लगी हुई हो, और होल मतलब एकदम मोटे मोटे फ्रेम वाला चश्मा, तो मोटे फ्रेम वाले चश्मे में से एक अंडरस्टूड मतलब एकदम विचारात्मक मुद्रा के साथ में वो रहना, तो उस तरीके से जो भी कोई देखता कि एनीवन हु सा प्राइवेट क्वेल्च, कि कोई भी व्यक्ति जो प्राइवेट क्वेल्च को लंबा झुका हुआ कमजोर और उसके मोटे चश्मे की फ्रेम में से उसको अंडरस्टूड मतलब एकदम समझदार सा देखता, तो वाई वो समझ जाता, अंडरस्टूड मतलब वो समझ जाता वाई ही वॉज नोन एज द प्रोफेसर, कि उसको प्रोफेसर के रूप में क्यों जाना जाता था, उसको प्रोफेसर क्यों कहा जाता था। मतलब अगर उसका कोई लुक देख लेता तो वो समझ जाता, अंडरस्टूड मतलब वो समझ जाता, वो व्यक्ति जो उसको देखता वो समझ जाता कि उसे प्रोफेसर के नाम से क्यों जाना जाता है, क्यों जाना जाता था, उसको प्रोफेसर क्यों कहा जाता था। दोज हु हैड एनी डाउट्स ऑन द सब्जेक्ट लॉस्ट देम आफ्टर 5 मिनट्स कन्वर्सेशन विद हिम। कि दोज वो व्यक्ति हु हैड एनी डाउट्स ऑन द सब्जेक्ट, कि जिसको भी अपने डाउट होते थे कि अपने सब्जेक्ट पे, अपने किसी भी विषय पे, कोई टॉपिक पे जिस व्यक्ति को भी डाउट होते थे, वो लॉस्ट देम आफ्टर 5 मिनट, कि वो 5 मिनट के बाद में उन डाउट्स को लॉस्ट कर देते थे, उन डाउट को वो खो देते थे कन्वर्सेशन विद हिम, उसके साथ बातचीत करने के बाद। कि कोई भी व्यक्ति जिसको कि किसी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पे, किसी विषय पे संदेह होता था, वो उससे कन्वर्सेशन करने के बाद में, उससे बातचीत करने के बाद 5 मिनट बाद में वो डाउट है वो लॉस हो जाते थे, वो डाउट है वो खत्म हो जाते थे, तो वो उस डाउट को खत्म कर देता था जो प्राइवेट क्वेल्च था उसके पास में इतना नॉलेज था। आई रिमेम्बर द फर्स्ट लेसन वी हैड इन मस्केटरी। तो ये बोल रहा है कि मस्केटरी मतलब जो राइफल चलाने का जो प्रशिक्षण का जो ज्ञान होता है, राइफल चलाने का जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं,
मस्कटरी। तो आई रिमेम्बर द फर्स्ट लेसन, कि मुझे वो फर्स्ट लेसन याद है, मुझे वो पहला पार्ट याद है इन मस्कटरी का, उधर जो राइफल चलाने का जहां प्रशिक्षण दिया जाता था, तो वहां का मुझे जो पहला लेसन है, फर्स्ट जो अपना पार्ट है, वो मुझे याद है। वी स्टूड इन एन अटेंटिव सर्किल व्हाइल ए सर्जेंट, ए मैन इज डार्क एंड सन ड्राइड एज रेशंस, वेयरिंग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन्स, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ए सर्विस राइफल। तो वी स्टूड इन एन अटेंटिव सर्किल, कि हम एक अटेंटिव सर्किल में, सर्किल बना करके मतलब अटेंटिव एकदम सावधानी पूर्वक सर्किल बना करके, वी स्टूड हम खड़े थे, तो वो सारे के सारे वो एक सावधानी पूर्वक सर्किल के अंदर खड़े थे, एक गोलाकार आकृति के अंदर वो एक सर्किल बना करके खड़े हुए थे। वाइल ए सार्जेंट, जबकि एक जो सार्जेंट था, एक सार्जेंट मतलब उनका उनको कोई प्रशिक्षण देने वाला, ए मैन एज डार्क, कि वो एक आदमी उतना डार्क उतना काला, एंड सन ड्राइड, और सन में मतलब सूरज की धूप के अंदर, ड्राइड यानी एकदम सूखा हुआ, कितना सूखा हुआ था, एज रेजन्स, तो रेजन्स मतलब जो किशमिश वगैरह होती है जैसे धूप में सूख जाती है और वो एकदम से ऐसे रिंकल से आ जाते हैं, सिकुड़न से उसमें हो जाती है, तो उस तरीके का वो सार्जेंट बता रहे हैं। वियरिंग नॉर्थ वेस्ट, वियरिंग मतलब उसने कपड़े पहने हुए थे, किस टाइप के कपड़े पहने हुए थे, नॉर्थ वेस्ट उत्तरी पश्चिमी सीमाओं के जो फ्रंटियर मतलब सीमाओं के रिबन्स यानी फीते लगी हुई, उन्होंने जो वियरिंग है मतलब वो ड्रेस पहन रखी थी। डिस्क्राइब कर रहा था, वर्णन कर रहा था द मैकेनिज्म ऑफ ए सर्विस राइफल, कि सर्विस राइफल की जो मैकेनिज्म है मतलब सर्विस राइफल के जो मशीनी यंत्र है उनको वो डिस्क्राइब कर रहा था, वो समझा रहा था। तो अब देखो इसको कंप्लीट देखते हैं साथ में, कि वी स्टूड इन एन अटेंटिव सर्किल व्हाइल अ सर्जेंट, कि वी स्टूड इन एन अटेंटिव सर्किल, कि हम एक सावधानी पूर्वक सर्किल बना करके खड़े थे, एक घेरे में खड़े थे, जबकि एक सर्जेंट, एक ऐसा आदमी जो उतना काला था और इतना सूरज की धूप में सूखा हुआ था जितने की रेजिन्स होते हैं, किशमिश होते हैं, और उसने उत्तरी पश्चिमी सीमा के फीते लगे हुए उसने ड्रेस पहनी हुई थी, और वो सर्विस राइफल के मैकेनिज्म को डिस्क्राइब कर रहा था, सर्विस राइफल के जो कलपुर्जे हैं, जो मशीनी यंत्र हैं, उनको वो डिस्क्राइब कर रहा था। द मजल वेलोसिटी और स्पीड एट विच द बुलेट लीव्स द राइफल ही टोल्ड यू की इज वेल ओवर 2000 फीट पर सेकेंड, कि द मजल वेलोसिटी, तो उसने बताया कि वो बोल रहा है द मजल वेलोसिटी, मजल क्या होता है, जो बंदूक की जो नाल होती है, नली होती है, उसके ऊपर जो मुंह खुला हुआ होता है जिसको बोलते हैं नाल मुख, तो नाल मुख होती है मजल। और वेलोसिटी का मतलब होता है रफ्तार, तो वो बता रहा है कि जो नाल मुख की जो रफ्तार है या फिर जो उसकी स्पीड है, स्पीड मतलब एक तरीके से रफ्तार होता है, गति होती है, तो इसमें बताया है कि जो राइफल होती है उसके मुंह से निकलने वाली या जो नाल मुख होता है उस नाल मुख से निकलने वाली जो स्पीड है, जो गति है, एट विच द बुलेट लीव्स द राइफल, कि एट विच द बुलेट, जिसमें से बुलेट है वो लीव्स द राइफल, राइफल को छोड़ती है, मतलब बुलेट जो गोलियां हैं, जिस रफ्तार से गोलियां राइफल को जिस रफ्तार से छोड़ती हैं, ही टोल्ड यू मतलब उसने तुम्हें बताया, इज वेल ओवर 2000 फीट पर सेकेंड, वो कितनी होती है 2000 फीट और 2000 फीट पर सेकेंड, प्रति सेकेंड 2000 फीट से भी वो अधिक होती है। तो वो मतलब बता रहा है, वो जो प्रशिक्षण दे रहा है वो बता रहा है कि किस प्रकार से जो एक राइफल से जो बुलेट निकलते हैं उसकी स्पीड कितनी होती है, वो पूरी डिटेल दे रहा है जो सार्जेंट आया हुआ है। तो वो ही टोल्ड यू मतलब ही जो सार्जेंट है उसके लिए, यू मतलब जो प्रशिक्षण लेने वाले वहां पे व्यक्ति खड़े हैं, तो ही टोल्ड यू उसने तुम्हें बताया कि जो राइफल से जो बुलेट निकलती है, जो बुलेट राइफल को छोड़ती है, उसकी नाल मुख से निकलने वाली जो स्पीड है, जो गति है, इज वेल ओवर 2000 फीट पर सेकेंड, वो प्रति सेकेंड 2000 फीट से भी अधिक होती है। तो ऐसा उसने बताया। ए वॉइस इंटरप्टेड, अब एक वॉइस, एक आवाज आई जिसने इंटरप्टेड, जिसने बीच में रोका, आवाज किसकी थी, प्राइवेट क्वेल्च की। तो वो क्योंकि आवश्यकता से अधिक जानता है, तो उसको पूरा नॉलेज है कि कितनी वो उसकी गति होती है, तो वो बताता है कि 2440 फीट पर सेकेंड, 2440 फीट प्रति सेकेंड उसने करेक्ट आंसर दिया। इट वॉज द प्रोफेसर, ये कौन था, प्रोफेसर था जिसने वहां पे टॉक करके अपनी इंटेलिजेंसी वो वहां पे शो कर रहा है उस सार्जेंट के सामने।
जिसको कि प्रशिक्षण देने के लिए भेजा गया है। दैट्स राइट कि ये सही है, द सार्जेंट सेड विदाउट एंथुसियाज्म एंड वेंट ऑन लेक्चरिंग, कि बिना एंथुसियाज्म के, बिना किसी उत्साह का प्रदर्शन किए हुए सार्जेंट ने कहा कि दैट्स राइट, हाँ ये सही है। वेंट ऑन लेक्चर, और अपना जो लेक्चर है जो व्याख्यान है वो उसने कंटिन्यू रखा, वो लगातार देता रहा। व्हेन ही हैड फिनिश्ड ही पुट क्वेश्चन टू अस, व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने फिनिश किया, जब अपनी बात उसने समाप्त कर दी, ही पुट क्वेश्चन टू अस, उसने हमसे क्वेश्चन पुट किए, हमसे प्रश्न पूछे। एंड परहैप्स इन द होप ऑफ रिवेंज ही टर्न विद हिज क्वेश्चन अगेन एंड अगेन टू द प्रोफेसर। एंड परहैप्स, और शायद, इन द होप ऑफ रिवेंज, रिवेंज लेने की आशा से, बदला लेने की आशा से, ही टर्न विद हिज क्वेश्चन अगेन एंड अगेन टू द प्रोफेसर, वो प्रोफेसर से, जो क्वेल्स था, प्रोफेसर क्वेल्स थे, उनसे बार बार वो क्वेश्चन है वो पूछने लग गए। तो वो टर्न मतलब मुड़ता, क्वेश्चन पूछने के लिए बार बार प्रोफेसर की तरफ मुड़ता था, मतलब बार बार उससे वो प्रश्न पूछ रहा था, उससे बदला लेना चाहता था। द ओनली रिजल्ट वॉज टू एनहेंस द प्रोफेसर ग्लोरी, और जो इसका केवल रिजल्ट था वो क्या था कि उसने प्रोफेसर की ग्लोरी को एनहेंस किया, प्रोफेसर की शान को ही बढ़ाना था, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम प्रोफेसर की शान को ही बढ़ाना था, क्योंकि उसने हर एक चीज का नॉलेज ले रखा था। टेक्निकल डेफिनेशन, द पार्ट ऑफ द राइफल, इट्स यूज एंड केयर, ही हैड देम ऑल बाय हार्ट, कि टेक्निकल डेफिनेशन, तकनीकी परिभाषाएं, द पार्ट्स ऑफ द राइफल, राइफल के पार्ट्स, हिस्से, इसके यूज, इसकी केयर, इसकी देखभाल करना, ही हैड देम ऑल बाय हार्ट, उसको पूरी तरीके से बाय हार्ट मतलब कंठस्थ थी, उसको सारी चीजें हैं वो याद थी। तो उससे कितने भी क्वेश्चन पूछो, हर क्वेश्चन का वो आंसर है वो वहां पे दे रहा था। द सार्जेंट आस्क, अब सार्जेंट ने पूछा कि यू हैड एनी ट्रेनिंग बिफोर, कि क्या तुमने कोई ट्रेनिंग पहले ली है, क्या तुमने कोई प्रशिक्षण पहले लिया है। द प्रोफेसर आंसर विद ए फ्रेज दैट वॉज टू बिकम फेमिलियर टू ऑल ऑफ अस, कि द प्रोफेसर आंसर विद ए फ्रेज, कि उस प्रोफेसर ने एक फ्रेज के साथ आंसर दिया, एक वाक्यांश के साथ में उसने उत्तर दिया, दैट वॉज टू बिकम फेमिलियर टू ऑल ऑफ अस, जो कि हम सबके लिए क्या थी, फेमिलियर थी, मतलब हम सबको उस चीज से पता था, क्योंकि वो हमेशा उस टाइप की फ्रेज है, वो वाक्यांश है, वो बोलता रहता था। तो उसने बोला नो सार्जेंट, कि नहीं सार्जेंट, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। इट्स ऑल ए मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग, कि ये जो सारा मैटर है, सारा मामला है, ये जो परिणाम है वो किसका है, इंटेलिजेंट रीडिंग का, बुद्धिमता से परिपूर्ण जो रीडिंग है, अध्ययन है, उसका ये परिणाम है कि मुझे इतना नॉलेज हो गया। दैट वॉज अवर इंट्रोडक्शन टू हिम, को यही हमारा इंट्रोडक्शन है वो उससे हुआ था, हमारा परिचय है वो उससे यही टाइम पे, इसी वक्त ये जो अपना वो शो कर रहा था। तो दैट वॉज अवर इंट्रोडक्शन टू हिम, कि उसके साथ हमारा इंट्रोडक्शन है वो यही था। वी सून लर्न मोर अबाउट हिम, हमने शीघ्र ही उसके बारे में और अधिक वो लर्न कर लिया, जान लिया, मतलब वी सून, सून शीघ्र ही, लर्न मतलब जान लिया, मोर अबाउट हिम, उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर ली। ही सॉ टू दैट, कि ही सॉ टू दैट, और इस बात का, ही सॉ मतलब वो देखता था, टू दैट इस बात के बारे में वो देखता था, हम जो जानकारी उसके बारे में प्राप्त कर रहे थे तो इस बात को वो देखता था, क्योंकि वो चाहता था कि लोग उसके बारे में जाने। ही मीन टू गेट ऑन, ही टोल्ड अस, ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया कि ही मीन टू गेट ऑन, कि उसको गेट ऑन मतलब उसका अर्थ ये है कि गेट ऑन मतलब और जानकारी प्राप्त करे, वो और ज्यादा रीड करे, इंटेलिजेंट रीडिंग करे, मतलब हर चीज के बारे में जानने की इच्छा उसकी है। ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया कि वो आगे बढ़ना चाहता है, वो हर एक चीज को जानने का इच्छुक है। ही हैड ब्रेन्स, उसके पास में ब्रेन था, उसके पास में मस्तिष्क था, बुद्धि थी। ही वॉज श्योर टू गेट ए कमीशन बिफोर लॉन्ग, कि ही वॉज श्योर टू गेट ए कमीशन, कि वो श्योर था, वो निश्चित था कि उसको कोई कमीशन मतलब उसको कोई अधिकारी का पद है वो मिल जाएगा, बिफोर लॉन्ग मतलब बहुत जल्दी, कि बहुत जल्दी उसको श्योर था, वो निश्चित था कि बहुत जल्दी उसको कमीशन मिल जाएगा, मतलब उसको कोई अधिकारी का पद है वो मिल जाएगा, वो मतलब कहीं आगे बढ़ेगा, उसको जीवन में आगे अचीवमेंट करने की उसको आशा थी। एज ए फर्स्ट स्टेप ही मीन टू गेट ए स्ट्रिप, एज ए फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप पे ही, इसके प्रथम चरण पे ही मीन टू गेट ए स्ट्रिप, उसको एक स्ट्रिप है वो स्ट्रिप चाहता था। ही मीन टू गेट ए स्ट्रिप, वो एक स्ट्रिप को प्राप्त करना चाहता था। स्ट्रिप मतलब एक अधिकारी पद की वो जो पट्टी होती है, जैसे जैसे कि वो कराटे सीखते हैं तो उसमें पट्टियां मिलती है, अलग अलग ब्लैक बेल्ट है और भी बेल्ट मिलते हैं, तो वैसे ही वो स्ट्रिप को प्राप्त करना चाहता था, वो जो पट्टी होती है उसको, सैनिक अधिकारी की पट्टी है उसको प्राप्त करना चाहता था। इन परस्यू ऑफ हिज एम्बिशन ही वर्कड हार्ड, इन परस्यू ऑफ हिज एम्बिशन, अपने एम्बिशन, अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरी करने के लिए उसका पीछा करते हुए, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। वी हैड टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट, वी हैड टू गिव हिम क्रेडिट,
कि हमें उसकी क्रेडिट मतलब उसकी प्रशंसा करनी होगी फॉर दैट, उस बात के लिए हमें उसकी प्रशंसा करनी पड़ी, मतलब उसने हार्ड वर्क किया था तो हमें उसकी प्रशंसा भी करनी पड़ी। ही बोरोड ट्रेनिंग मैनुअल्स एंड स्टेड अप लेट एट नाइट रीडिंग देम। ही बोरोड ट्रेनिंग मैनुअल्स, कि उसने ट्रेनिंग मैनुअल मतलब प्रशिक्षण से संबंधित जो मैनुअल्स थे, प्रशिक्षण से संबंधित जो पुस्तकें थी उनको उसने बोरो किया, उधार लेता था। एंड स्टेड अप लेट एट नाइट रीडिंग देम, और उनको पढ़ते हुए वो लेट एट नाइट रात्रि को लेट तक वो स्टेड मतलब जागता रहता था, उन बुक्स को वो पढ़ता रहता था। ही बेजर द इंस्ट्रक्टर विद क्वेश्चन, कि ही ब्रेजर मतलब वो एकदम परेशान कर देता था इंस्ट्रक्टर को, जो इंस्ट्रक्टर मतलब जो प्रशिक्षण देने वाले होते थे, प्रशिक्षक होते थे, उनको विद क्वेश्चंस, कि अपने प्रश्नों से, अपने क्वेश्चन से वो जो इंस्ट्रक्टर होते थे, जो प्रशिक्षक होते थे, उनको वो परेशान कर देता था एकदम बार बार क्वेश्चन पूछ के। ही ड्रिल्ड विद एंथुसियाज्म एंड ऑन रूट मार्चेज। ही वॉज नॉट ओनली मिरेकल्सली टायरलेस बट इन्फ्यूरिएटेड अस ऑल विद हिज टेरिबल हार्डनेस। कि ही ड्रिल्ड विद एंथुसियाज्म, कि वो एंथुसियाज्म के साथ उत्साह पूर्वक वो प्रशिक्षण कर, वो ड्रिल मतलब अभ्यास करना, कि उत्साह के साथ में वो अभ्यास किया करता था। और रूट मार्चेज, और वो मार्चेज मतलब एकदम आगे बढ़ता था, रूट मार्च करते समय वो मतलब रूट मार्च करता था, तो उस टाइम वो ही वॉज नॉट ओनली मिरेकसली टायरलेस, कि न केवल वो उस टाइम मिरेकसली मतलब एकदम जादुई रूप में वो टायरलेस होता था, थकता नहीं था, टायरलेस होता, कभी भी थकान नहीं होना। तो कि वो जब रूट मार्च किया जाता था तो वो उत्साह के साथ में तो अभ्यास करता था, और जब रूट मार्च किया जाता था तो ही वॉज नॉट ओनली मिरेकसली टायरलेस, कि वो न केवल अप्रत्याशित रूप से, आश्चर्यजनक रूप से वो थकान रहित रहता था, बट बल्कि इन्फ्यूरेट वो क्रोधित भी होता था, नाराज भी कर देता था, मतलब अस मतलब हमें, हमें नाराज भी कर देता था, ऑल सबको विद हिज हॉरिबल हार्डनेस, कि अपने हॉरिबल हार्डनेस से, हॉरिबल हार्डनेस का मतलब है अपने अत्यधिक जो उत्साह है, उस अत्यधिक भयानक अत्यधिक उत्साह के साथ में वो हमें इन्फ्यूरेट भी कर देता था, नाराज भी कर देता था, क्योंकि वो भी सबको बोलता था कि तुम लोग भी अभ्यास कंटिन्यू करते रहो, खुद तो थकता नहीं था और लोगों को भी ऐसे ही वो जोर देता था। व्हाट अबाउट ए सॉन्ग चैप्स, और वो बोलता था, क्या कहता कि व्हाट अबाउट ए सॉन्ग, कि क्यों ना एक गीत हो जाए, क्यों ना एक सॉन्ग हो जाए चैप्स दोस्तों, इज नॉट ग्रीटेड पोलाइटली एट द एंड ऑफ 30 माइल्स, इज नॉट ग्रीटेड पोलाइटली, और ये जो ग्रीटेड मतलब ये जो प्रस्ताव था वो पोलाइटली विनम्रतापूर्वक, ये जो प्रस्ताव था वो 30 माइल के एंड होने पर, मतलब 30 मील तक चलने के बाद में ये जो जो उसका प्रस्ताव होता था वो अच्छा नहीं लगता था, वो प्रस्ताव अच्छा उनको पसंद नहीं आता था। His salute at the pay table was a model to behold. कि his salute, उसका जो salute होता था, उसका जो अभिवादन होता था एट द पे टेबल के ऊपर, मतलब भुगतान किए जाने वाले टेबल के ऊपर उनको जो वेतन मिलता था, तो उस टेबल पे उसका जो सैल्यूट होता था, उसका जो अभिवादन होता था, वो जो मॉडल टू बी होल्ड, वो देखने लायक होता था। व्हेन ऑफिसर्स वर इन साइट ही वुड स्विंग हिज स्किनी आर्म्स एंड मार्च टू द कैंटीन लाइक ए गार्ड्समैन। कि व्हेन ऑफिसर्स वर इन साइट, कि जब ऑफिसर्स इन साइट मतलब जो अधिकारी दिखाई देते थे, जब वो अधिकारी दिखते थे, ही वुड स्विंग हिज स्किनी आर्म, तो अपनी जो स्किनी आर्म है मतलब दुबली पतली जो भुजाएं हैं उसको वो स्विंग मतलब घुमाता था, और मार्च टू द कैंटीन, और वो कैंटीन की तरफ मार्च कर जाता था, आगे बढ़ता था, लाइक ए गार्डमैन, एक गार्ड्समैन के समान, एक रक्षक व्यक्ति के समान वो कैंटीन की तरफ आगे बढ़ जाता था। एंड डे इन एंड डे आउट ही लेक्चर टू अस इन हिज ड्रोनिंग रिमोर्सलेस वॉइस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। एंड डे इन एंड डे आउट मतलब प्रतिदिन हमेशा पूरे दिन ही लेक्चर टू अस, वो हमें लेक्चर देता था, व्याख्यान देता था, भाषण देता रहता था। इन हिज ड्रोनिंग, ड्रोनिंग मतलब अपनी भिन्न भिन्न आती हुई रिमोर्सलेस मतलब निष्ठुर वॉइस, आवाज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। कि वो प्रतिदिन पूरे दिन प्रत्येक दिन वो अपने जो ह्यूमन नॉलेज के बारे में, ह्यूमन नॉलेज के मनुष्य के ज्ञान के प्रत्येक एस्पेक्ट पे, प्रत्येक पहलू पे, प्रत्येक एक पॉइंट के ऊपर वो हमें अपनी भिन्न भिन्न आती हुई और अपनी निष्ठुर आवाज में लेक्चर देता रहता, भाषण देता रहता था। जो प्राइवेट क्वेल्स है वो भाषण देते रहते थे ह्यूमन नॉलेज के प्रत्येक एस्पेक्ट पे, प्रत्येक पहलू पे। एट फर्स्ट वी हैड अ सर्टन रेस्पेक्ट फॉर हिम बट सून वी लिव्ड इन टेरर ऑफ हिज अप्रोच। कि एट फर्स्ट, सब पहले तो वी हैड ए सर्टन रेस्पेक्ट फॉर हिम, कि हमारा उसके प्रति, फॉर हिम मतलब उसके लिए एक सर्टन रेस्पेक्ट था, एक निश्चित
हमारा जो सम्मान है वो उसके प्रति था। बट सून, लेकिन शीघ्र ही वी लिव इन टेरर ऑफ हिज अप्रोच, हम उसके अप्रोच से, हम उसके पहुंचने से ही हम टेरर में रहने लग गए थे, मतलब उसके आने से ही हम भयभीत होने लग गए थे। वी ट्राइड टू हिट बैक एट हिम विद क्लम्सी सार्केजम एंड प्रैक्टिकल जोक्स। तो वी ट्राइड टू हिट बैक, मतलब हम वापस से हिट बैक, मतलब वापस से उसको, मतलब जो उतर है वो देने की कोशिश करते एट हिम उसकी तरफ विद क्लम्सी सार्केजम। क्लम्स से मतलब एकदम भद्दे गंदे जो सार्केजम यानी ताने होते हैं, तो गंदे तानों से, भद्दे तानों से एंड प्रैक्टिकल जोक्स, और व्यवहारिक जो जोक्स मतलब जो मजाक थे, शरारते थे, उनसे हम भी उसको हिट बैक करने की कोशिश करते थे, प्रयास करते थे, उसको आंसर देने की कोशिश करते थे। द प्रोफेसर स्केर्सली नोटिस, जो प्रोफेसर है वो स्केर्सली मतलब मुश्किल से ही उसको नोटिस करता था, मतलब जो प्रोफेसर उसकी तरफ ध्यान नहीं देता कि ये किस प्रकार से हम मुझे ताने दे रहे हैं या फिर इस प्रकार से मेरा मजाक बना रहे हैं, तो जो प्रोफेसर है उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। ही वॉज टू बिजी वर्किंग फॉर हिज ट्रिप, कि वो टू बिजी मतलब वो बहुत ज्यादा बिजी था वर्किंग, काम करने में, फॉर हिज ट्रिप, अपनी जो स्ट्रिप थी, अपनी जो पट्टी थी उसको प्राप्त करने के लिए उसके काम के अंदर वो बहुत ज्यादा वो बिजी था, वो टू बिजी था। ईच टाइम वन ऑफ अस मेड ए मिस्टेक द प्रोफेसर वुड पब्लिकली करेक्ट हिम, कि ईच टाइम प्रत्येक बार वन ऑफ अस हम में से एक है वो मेड ए मिस्टेक, एक मिस्टेक करता, कोई गलती करता, एंड द प्रोफेसर वुड पब्लिकली, और जो प्रोफेसर है वो पब्लिकली मतलब सार्वजनिक रूप से उसे करेक्ट करता, उस गलती को करेक्ट करता। व्हेनेवर वन ऑफ अस शोन द प्रोफेसर आउट शोन हिम, कि व्हेनेवर वन ऑफ अस शोन, जब हम में से कोई एक शोन मतलब होशियारी दिखाता, हम में से कोई वो कोई भी एक अपनी बुद्धिमानी, अपनी इंटेलिजेंस दिखाता, तो द प्रोफेसर, जो प्रोफेसर था वो उसको आउटशोन करता, मतलब उससे भी ज्यादा अपनी होशियारी है वो दिखाता। व्हेन आफ्टर हार्ड मॉर्निंग वर्क क्लीनिंग आउट अवर हर्ट वी लिसन इन साइलेंस टू द ऑर्डरली ऑफिसर्स प्रेज, द प्रोफेसर वुड ब्रेक आउट विद ए रिंगिंग ड्यूटीफुली बीमिंग थैंक यू सर, कि व्हेन आफ्टर हार्ड मॉर्निंग वर्क क्लीनिंग आउट अवर हर्ट, कि हमारी हर्ट मतलब हमारा जो रहने का जो कमरा था या फिर हम जिसमें रहते थे उसकी बहुत ही सुबह सुबह अच्छे से उसकी क्लीनिंग मतलब उसकी सफाई करने के बाद में, तो अपनी जो हर्ट थी, अपना जो रूम था, तो उसकी जो हार्ड मॉर्निंग वर्क मतलब उसको साफ करने का जो कठिन मॉर्निंग वर्क है, सुबह का जो काम है, उसके करने के बाद में जब वी लिसन इन साइलेंस टू द ऑर्डरली ऑफिसर्स प्रेज, कि जब हम लिसन मतलब सुनते इन साइलेंस एकदम चुपचाप होकर के, जो ऑर्डरली ऑफिसर जो थे मतलब जो अधिकारी लोग थे, चुपचाप होकर के जब अधिकारियों की प्रेज यानी प्रशंसा को जब हम सुनते हमारे रूम को साफ करने के बाद में, हमारे रूम को साफ करने का कठिन सुबह का काम करने के बाद में, जब हम चुपचाप से ऑफिसर्स की प्रशंसा को सुनते, द प्रोफेसर वुड ब्रेक आउट विद ए रिंगिंग, तो जो प्रोफेसर है वो ब्रेकआउट मतलब उनको बीच में ही ब्रेकआउट कर देता था, उनको बीच में ही रोक देता था, क्या बोल करके, कि थैंक यू सर, थैंक यू श्रीमान जी, बीमिंग यानी मुस्कुराते हुए, ड्यूटीफुल यानी कर्तव्य के साथ, तो कर्तव्य के साथ में हल्की सी मुस्कुराहट के साथ में वो उनकी बात को बिना, कि थैंक यू सर, धन्यवाद श्रीमान जी, एंड हाउ सुपीरियर, हाउ कंडेंसेंडिंग ही वॉज, एंड हाउ सुपीरियर, वो कितना सर्वोच्च मतलब कितना श्रेष्ठ अपने आप को दिखाता था, और कितना कंडेंसेंडिंग मतलब कितना अपने आप को शिष्टाचार से परिपूर्ण वो दिखाता था, अपने आप को वो शो करता था कि मैं कितना मतलब श्रेष्ठ हूँ, कितना शिष्टाचारी हूँ, इस प्रकार से वो अपने आप को शो करता। इट वॉज ऑलवेज, और ये हमेशा होता था, मतलब ऐसी चीजें वो हमेशा होती रहती थी, लेट मी शो यू ओल्ड फेलो एंड नो यू विल रूइन योर राइफल दैट वे ओल्ड मैन, वो क्या कहता था कि लेट मी शो यू, कि मुझे दिखाने दो, मैं आपको बताता हूँ ओल्ड फेलो, पुराने साथी, कि लेट मी शो यू, मुझे आपको दिखाने दो, या मुझे मैं आपको बताता हूँ, और या फिर वो कहता नो नहीं, यू विल रूइन योर राइफल, कि तुम अपनी राइफल को रूइन मतलब बर्बाद कर दोगे, खराब कर दोगे, दैट वे इस तरीके से तुम अपनी राइफल को खराब कर दोगे, ओल्ड मैन पुराने साथी, बूढ़े आदमी तो सेना में होते नहीं है, तो यहाँ पे जो ओल्ड है वो पुराने से लेकर के आया है। वी यूज टू प्राइड और सर्वेज ऑन एयरक्राफ्ट रिकग्निशन, कि वी यूज टू प्राइड, कि हम प्राइड मतलब बहुत गर्व करते थे, और सर्वेज हम अपने आप पे, ऑन एयरक्राफ्ट रिकग्निशन, रिकग्निशन मतलब पहचानना, कि जो एयरक्राफ्ट को पहचानने की, विमान को पहचानने की जो हमारे अंदर जो योग्यता थी, या विमान को पहचानने का जो हमारे अंदर जो टैलेंट था, उस पे हम गर्व करते थे, हम प्राइड करते थे। वंस आउट फॉर अ वॉक वी हर्ड द ड्रोन ऑफ ए प्लेन फ्लाइंग हाई ओवर हेड, कि वंस एक बार आउट फॉर ए वॉक मतलब वॉक पे चलते हुए, मतलब एक बार घूमते समय, वी हर्ड हमने सुना
द ड्रोन ऑफ ए प्लेन की एक जो ड्रोन है हवाई जहाज है, प्लेन का एक जो छोटा रूप होता है जो ड्रोन है उसको फ्लाइंग हाई ओवर हेड कि हमारे सर के ऊपर से जाते हुए, हमारे सर के ऊपर से उड़ते हुए एक प्लेन की आवाज को हमने सुना जब हम आउट फॉर वॉक मतलब हम घूम रहे थे बाहर। नन ऑफ अस कुड इवन सी इट इन द ग्लेयर ऑफ द सन कि नन ऑफ अस हम में से कोई भी एक है वो कुड इवन सी इट यहाँ तक कि उसको देख भी नहीं पाया था। इन द ग्लेयर ऑफ द सन के सूर्य के प्रकाश के अंदर, सूर्य की जो ग्लेयर थी, सूर्य की जो चमक थी, प्रकाश था उसके अंदर हमें से कोई उसको देख भी नहीं पाया था, उस हवाई जहाज को, उस प्लेन को, उस एयरक्राफ्ट को देख भी नहीं पाया था। विदाउट इवन ए ग्लेंस अपवर्ड द प्रोफेसर अनाउंस्ड कि विदाउट इवन ए ग्लेंस अपवर्ड कि अपवर्ड मतलब ऊपर की साइड में एक ग्लेंस एक नजर देखे बिना ही, ऊपर की ओर बिल्कुल भी देखे बिना ही, एक नजर भी देखे बिना ही प्रोफेसर अनाउंस, प्रोफेसर ने अनाउंस किया, प्रोफेसर ने बताया कि दैट ऑफ कोर्स इज ए नॉर्थ अमेरिकन हार्ट ट्रेनर कि दैट ऑफ कोर्स कि वास्तव में ये जो ऊपर जो प्लेन जा रहा था, जो ड्रोन था वो क्या था, इज ए नॉर्थ अमेरिकन हार्ट ट्रेनिंग, ये एक उत्तरी अमेरिका का हार्ट ट्रेनर वायुयान वो है, मतलब उस एयरक्राफ्ट के बारे में बता दिया कि वो नॉर्थ अमेरिकन हार्ट ट्रेनर है। तो ऐसा उसने बिना देखे ही, एक नजर देखे बिना ही उस प्रोफेसर ने बता दिया। इट कैन बी अनमिस्टेकेबली आइडेंटिफाइड बाय द हार्श इंजन नोट ड्यू टू द हाई टिप स्पीड ऑफ द एयर स्क्रू कि इट कैन बी अनमिस्टेकेबली आइडेंटिफाइड, अनमिस्टेकेबली मतलब बिना गलती किए हुए इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इसको सही ढंग से बिना कोई गलती किए हुए सही ढंग से इसको पहचाना जा सकता है। कैसे, बाय द हार्श इंजन नोट कि इसके जो कठोर इंजन का जो साउंड है, कर्कश जो इंजन की ध्वनि है, इससे ही इसको पहचाना जा सकता था। ड्यू टू जो किसके कारण है, ड्यू टू हाई टिप स्पीड ऊंचाई पे जो तेज गति से जो उत्पन्न हो रही है एयर स्क्रू, एयर स्क्रू होता है जो वायुयान के जो पंखे होते हैं, जो ताड़ियां होती है ड्रोन के ऊपर, प्लेन के ऊपर जो ताड़ी होती है, पंखे होते हैं, तो उन पंखों की ऊंचाई पे चलने वाली जो गति है, जो तेज गति है वायुयान के पंखे की, जो तेज गति से उत्पन्न जो आवाज है, उस इंजन की कर्कश आवाज से ही वो सही ढंग से पहचाना जा सकता है कि ये कौन सी चीज है। तो उसने डिक्लेयर कर दिया था उस साउंड से ही कि नॉर्थ अमेरिकन हार्ट ट्रेनर है, उस वायुयान के बारे में बता दिया। व्हाट कुड ए गैंग ऑफ फ्लोटर्स लाइक अस डू विद ए मैन लाइक दैट कि व्हाट कुड ए गैंग ऑफ फ्लोटर्स लाइक अस कि हमारे जैसा जो लोटस के समान, अच्छा लाउट्स है, लोटस नहीं है, तो लाउड्स मतलब असभ्य जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि हमारे जैसे असभ्य लोगों का जो गैंग है, असभ्य लोगों का जो समूह है, वो उस लाइक दैट मतलब उस तरह के का जो एक आदमी है, जो प्राइवेट क्वेल जैसा जो एक आदमी है, उसके साथ क्या कर सकता था। मतलब उसको इतना ज्यादा नॉलेज था कि बिना देखे ही उसने हर एक चीज बता दी। तो वो बोल रहा है कि हमारे जैसे जो लाउड्स मतलब जो असभ्य लोगों का दल है, वो उस जैसे आदमी के साथ क्या कर सकता था, और वो गर्व करते थे अपने उस नॉलेज के ऊपर। None of us will ever forget the drowsy summer afternoon which was such a turning point in the professor's life. तो देखो none of us हम में से कोई भी है will ever forget कभी भी नहीं भूल पाएगा the drowsy summer, drowsy मतलब एकदम नींद आने वाली जो गर्मियों की जो afternoon थी, दोपहर थी, कि एकदम उनिंदी हम में से कोई भी व्यक्ति गर्मियों की एकदम उनिंदी जो दोपहर थी, गर्मियों की नींद आने वाली जो दोपहर थी, उसको कोई भी नहीं भूल सकता। Which was such a turning point, जो कि एक turning point था, एक निर्णायक मोड़ था in the professor's life, जो कि professor के जीवन का एक turning point था, उस दिन को हम में से कोई भी नहीं भूल सकता। अब देखो क्या हुआ था उस दिन। We were smiling contently on the warm glass while Corporal Turnbull was talking a lesson on the hand grenade. तो ये एक व्यक्ति हो रहा है Corporal Turnbull कि वी वर स्प्रॉलिंग कंटेंटली ऑन द वार्म ग्रास की जो वार्म ग्रास थी, जो गर्म घास थी, उसके ऊपर स्प्रॉलिंग मतलब हाथ पैर पसार करके कंटेंटली मतलब एकदम से संतोष पूर्वक कि हम गर्म घास के ऊपर हाथ पैर पसार करके संतोष पूर्वक बैठे थे। वाइल जबकि कॉर्पोरल टर्नबुल है वाज टेकिंग लेसन वो लेसन दे रहे थे, पाठ पढ़ा रहे थे ऑन द हैंड ग्रेनेड की जो हैंड ग्रेनेड होता है, जो हथगोला होता है, उसके ऊपर कॉर्पोरल टर्नबुल है वो एक लेसन दे रहे थे, हमें कुछ शिक्षा दे रहे थे, पाठ पढ़ा रहे थे। कॉर्पोरल टर्नबुल वॉज ए यंग मैन बट ही वॉज नॉट ए मैन टू बी ट्रिफल्ड विद कि कॉर्पोरल टर्नबुल जो कॉर्पोरल टर्नबुल है वॉज ए यंग मैन, वो एक यंग मैन था, एक युवा व्यक्ति था, बट लेकिन ही वॉज नॉट ए मैन टू बी ट्रिफल्ड विद लेकिन एक ऐसा आदमी वो नहीं था जिसके साथ ट्रिफल मतलब मजाक किया जाए, जिसके साथ हंसी मजाक कर ले, जिसको थोड़ा हल्का समझा जाए, ऐसा आदमी वो कॉर्पोरल टर्नबुल है, वो टर्नबुल नहीं था।
वो युवा था लेकिन ऐसा आदमी नहीं था जिससे मजाक किया जाए। ही हैड कम बैक फ्रॉम डंक्रीक विद ऑल हिज इक्विपमेंट करेक्ट एंड अकाउंटेड फॉर एंड हिज पेट किटन इन हिज पॉकेट। कि ही हैड कम बैक फ्रॉम डंक्रीक, कि वो डंक्रीक से वो आया था, वो जहां से वापस आया था उस जगह का नाम है डंक्रीक, तो डंक्रीक से वापस आया था विद ऑल हिज इक्विपमेंट करेक्ट, कि अपने सारे इक्विपमेंट को ठीक करवा करके, अपने सारे उपकरण को करेक्ट करवा करके, ठीक करवा करके एंड अकाउंटेड फॉर, और हमारे कार्य करने के लिए वो उपयोगी बना करके, अकाउंटेड फॉर मतलब उपयोगी बनाना, उनको कार्य के लिए उपयोगी बना करके एंड हिज पेट किटन, और अपना जो पेट, अपना जो पालतू था, और पालतू क्या था, किटन, किटन मतलब बिल्ली का जो बच्चा होता है, इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में, अपने थैले में रख करके। तो बता रहे हैं कि वो जो कॉर्पोरल टर्नबुल था वो डंकरेक से वापस आया था अपने सारे इक्विपमेंट को ठीक करवा करके, उनको उपयोगी, उनको कार्य करने के लिए उपयोगी बना करके, और अपना जो पेट किटन है उसको अपनी पॉकेट में साथ लेकर के वो डंकरेक से लौटा था। ही वॉज अ हीरो एंड वी यूज टू टेल ईच अदर दैट ही वॉज सो टफ दैट यू कुड हैमर नेल्स इन टू हिम विदाउट हिज नोटिसिंग इट। कि ही वॉज अवर हीरो, वो हमारा हीरो था, वो हमारा एक नायक था एंड वी यूज टू टेल इच अदर, और हम एक दूसरे से कहते थे, हम एक दूसरे को बताते थे दैट कि ही वॉज सो टफ, कि वो इतना टफ मतलब वो इतना मजबूत था, वो व्यक्ति है वो इतना मजबूत था दैट यू कुड हैमर, कि आप हैमर से, हथौड़े से, नेल्स मतलब कील है वो ठोक सकते हो इन टू हिम उसके अंदर विदाउट हिज नोटिसिंग इट, कि उसके नोटिस किए बिना ही, उसको ध्यान में आए बिना ही, मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसको कोई असर नहीं होगा, उसके ध्यान दिए बिना ही आप उसके अंदर एक जो नेल्स है, कील है, वो आप उसके अंदर ठोक सकते हो, वो इतना मजबूत था और इसलिए वो हमारा हीरो था जो कि कॉर्पोरल टर्नबुल था। द आउटसाइड ऑफ ग्रेनेड एज यू कैन सी कॉर्पोरल टर्नबुल वॉज सेइंग इज डिवाइडेड अप इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स टू असिस्ट सेगमेंटेशन। कि द आउटसाइड ऑफ ए ग्रेनेड, अब वो कॉर्पोरल जो टर्नबुल है वो सेइंग, वो कह रहा था, वो बोल रहा था, वो जो शिक्षा दे रहा है ना ग्रेनेड के बारे में, हैंड ग्रेनेड के बारे में, तो जो कॉर्पोरल टर्नबुल है वो बोल रहा है, उसका डायलॉग है कि द आउटसाइड ऑफ ए ग्रेनेड, कि इस ग्रेनेड के बाहर, ये जो ग्रेनेड है, जो हथगोला है, उसके बाहर के भाग में, एज यू कैन सी, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, आप सब देख सकते हो कि हथगोले के जो बाहरी भाग है, इज डिवाइडेड अप, वो डिवाइडेड अप मतलब बंटा हुआ है, इंटू ए लार्ज नंबर, बड़े नंबर ऑफ फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट होते हैं टुकड़े, कि बड़ी संख्या में टुकड़ों के अंदर ये बंटा हुआ है, टू असिस्ट सेगमेंटेशन, की इसके जो असिस्ट मतलब जो इसको हेल्प करने वाले, इसका जो मदद करता है, सेगमेंटेशन मतलब इसके जो विभिन्न हिस्से हैं, इसको विभिन्न हिस्सों को बांटने में जो इसकी हेल्प करता है, वो डायलॉग बोल रहा है इसके बीच में, देखो आगे डॉट 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 दिखा रखा है, मतलब बीच में रोक दिया। तो कॉर्पोरल टर्नबुल वो बोल रहा है कि इस ग्रेनेड का बाहरी भाग, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये बड़े टुकड़ों के अंदर, बड़ी संख्या में टुकड़ों के अंदर ये डिवाइडेड अप है, बंटा हुआ है, और इसके सेगमेंटेशन में, और मतलब इसका जो विभाजीकरण जो हुआ है, इसके विभाजीकरण के अंदर जो मदद करता है। तो इतना बोलते ही उसने बोला, जो प्राइवेट क्वेल्च है उसने बोला 44, उसने जो फ्रेगमेंट्स है उनका जो संख्या है वो बता रहा है कि कितने टुकड़े, इसने तो बोला था कि लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स होते हैं, मतलब बड़ी संख्या में इसके टुकड़े हो जाते हैं, और वो बोलता है 44 कि 44 टुकड़े। What's that? The corporal looked over his shoulder. कि what's that? तो वो पूछता है कि वह क्या है, क्या चीज है। The corporal looked over his shoulder. Corporal ने अपने कंधों को मतलब ऊपर करते हुए वहां से देखा, अपने कंधों को मतलब ऐसे ऊंचे ऊपर करते हुए कंधों के ऊपर से वैसे देखा और बोलता है कि what's that? कि वो क्या चीज है, मतलब जब उसने 44 का मतलब बोला ना, तब उसने पूछा कि वो क्या है, क्या तुम 44 क्या बोल रहे हो। तब वो बोलता है कि 44 सेगमेंट्स, कि 44 सेगमेंट 44 टुकड़े। द प्रोफेसर बीम्ड एट हिम, और प्रोफेसर है वो बीम्ड मतलब मुस्कुराया एट हिम, उसकी तरफ वो प्रोफेसर है वो मुस्कुराया, मतलब वो उसको नीचा दिखा रहा है और अपना जो इंटेलिजेंस है, अपनी जो ज्ञान है वो उसको बता रहा है। द कॉर्पोरल सेड नथिंग, अब कॉर्पोरल ने कुछ भी नहीं कहा, बट लेकिन हिज ब्रो टाइटन, उसकी जो ब्रो थी, उसकी जो बोहे थी, वो टाइटन मतलब एकदम टाइट हो गई थी, वो तन गई थी। ही ओपन हिज माउथ टू रिज्यूम, रिज्यूम मतलब अपनी बात को वापस स्टार्ट करने के लिए, उसने अपना मुंह खोला, तो उसने अपनी बात को पूरा करने के लिए, अपनी बात को वो प्रारंभ करने के लिए उसने अपना मुंह खोला, और इतने में देखो, एंड बाय द वे कॉर्पोरल, तो अब वो वापस से देखो बोला कि बाय द वे कॉर्पोरल, कि और वैसे कॉर्पोरल, वी व ऑल थंडरस्ट्रक, हम सारे थंडरस्ट्रक मतलब एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। द प्रोफेसर वॉज स्पीकिंग अगेन, जो प्रोफेसर है वो वापस से बोल रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था कॉर्पोरल को, लेकिन फिर भी प्रोफेसर वो स्पीकिंग अगेन, प्रोफेसर है वो फिर से बोल रहा था कि शुडंट यू हैव स्टार्टेड ऑफ विद द फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेनेड,
कि स्टूडेंट यू हैव स्टैंडर्ड ऑफ, कि क्या आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्या आपको शुरू नहीं करना चाहिए फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स, पांच विशेषताओं से ऑफ द ग्रेनेड, कि ग्रेनेड की पांच विशेषताओं से क्या आपको बात शुरू नहीं करनी चाहिए। अब वो बता रहा है कि आपको कहाँ से पढ़ाना शुरू करना चाहिए। आवर इंस्ट्रक्टर एट द अदर कैंप ऑलवेज यूज टू यू नो, कि आप जानते हो कि हमारे दूसरे कैंप के जो इंस्ट्रक्टर हैं, हमारे दूसरे कैंप के जो जो मतलब इंस्ट्रक्टर मतलब जो जो प्रशिक्षक है, वो ऑलवेज यूज टू, वो हमेशा ऐसा ही किया करता था। जो हमारा जो दूसरे कैंप के अंदर जो इंस्ट्रक्टर थे, जो हमें प्रशिक्षण देते थे, वो हमेशा ऐसा करते थे, यू नो, आप जानते हो। तो क्या आपको उन पांच विशेषताओं से, ग्रेनेड की पांच विशेषताओं से क्या आपको शुरू नहीं करना चाहिए। इन द साइलेंस दैट फॉलोड ए डार्क फ्लश स्टैंड द टेन ऑफ द कॉर्पोरल फेस, कि इन द साइलेंस, साइलेंस के अंदर मतलब साइलेंस के बाद एकदम जैसे चुप्पी छा गई थी, दैट फॉलोड मतलब उसके बाद में एकदम से चुप्पी छा गई थी, ए डार्क फ्लश, एक डार्क फ्लश मतलब एकदम एक जो डार्क फ्लश था, एक लाल हो जाना, स्टेन मतलब धब्बा सा बन जाना, द टैन ऑफ द कॉर्पोरल फेस, कि उस कॉर्पोरल के चेहरे पे, उस जो टर्नबुल था उसके चेहरे के ऊपर एक जो टैन है, जो स्टेन द टैन मतलब एक जो लालिमा है, ए डार्क फ्लश स्टेन द टैन, कि उसके चेहरे पे, कॉर्पोरल के चेहरे पे एक क्रोध से भरी हुई उसकी स्किन है, वो एकदम फ्लश हो गई, लाल हो गई, उस पे धब्बे से बन गए, चमड़ी उसकी लाल हो गई। जब गुस्सा आता है तो मनुष्य का चेहरा लाल हो जाता है, तो उस लाल रंग के उस पे स्टेन मतलब उस पे धब्बे से बन गए थे उसके चेहरे पे, मींस उस कॉर्पोरल को गुस्सा आ गया था। अब वो बोलता है कि हेयर, यहाँ ही सैड एट लास्ट, उसने अंत में कहा, यू गिव दिस लेक्चर, कि इस लेक्चर को तुम दो, तुम ये व्याख्यान है वो दो। कॉर्पोरल ने उस बोला कि यहाँ, ही सैड एट लास्ट, अंत में उसने कॉर्पोरल टर्नबुल ने कहा कि यू गिव दिस लेक्चर, तुम इस लेक्चर को दो। एज इफ अफ्रेड टू से एनी मोर, ही टॉस द ग्रेनेड टू द प्रोफेसर, कि एज इफ जैसे कि, अफ्रेड टू से एनी मोर, कि कुछ भी और कहने से जैसे वो डर रहा हो, ही टॉस द ग्रेनेड टू द प्रोफेसर, उसने प्रोफेसर को वो जो ग्रेनेड है वो टॉस मतलब उसके हाथ में पकड़ा दिया, उसकी तरफ फेंक दिया ग्रेनेड को, और बोला कि तुम इस पे लेक्चर दो। क्वाइट अनबेस्ट अनअबेस्ट प्राइवेट क्वेस्ट क्लाइम टू हिज फिट एंड विद द एयर ऑफ ए मैन कमिंग इन टू हिज बर्थ राइट गेव अस एन अनएक्सेप्शनल नेवल लेक्चर ऑन द ग्रेनेड, कि क्वाइट अनअबेस्ट, कि एकदम से अनअबेस्ट मतलब बिना डरे हुए, बिना लज्जित हुए, बिना शर्मिंदा हुए, अनअबेस्ट, अनअबेस्ट मतलब अबेस्ट होता है शर्मिंदा होना, लेकिन अनअबेस्ट मतलब उसका अपोजिट हो गया, तो क्वाइट अनअबेस्ट मतलब बिल्कुल भी शर्मिंदा हुए बिना, बिल्कुल भी लज्जित हुए बिना, जो प्राइवेट क्वेल्च है वो क्लाइम टू हिज फिट, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, एंड विद द एयर ऑफ ए मैन कमिंग इन टू हिज बर्थ राइट, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कमिंग मतलब आया इन टू हिज बर्थ राइट, जिसका की जन्मसिद्ध अधिकार की भावना के साथ में, गेव अस हमें दिया एन एक अनएक्सेप्शनेबल मतलब एक अनएक्सेप्शनेबल मतलब बहुत ही शानदार बिना किसी अपवाद जो लेक्चर है, किस पे, ऑन द ग्रेनेड, ग्रेनेड के ऊपर। तो बता रहे हैं कि वो एकदम से अपने प्राइवेट क्वेल्च अपने पैर पे खड़ा हुआ और किसी बात के ऊपर अपना जन्म सिद्ध अधिकार की भावना के साथ में, जन्म सिद्ध अधिकार रखने की भावना के साथ में वो इस तरीके से, इस एयर के साथ में, इस हाव भाव के साथ में वो आया और उसने ग्रेनेड के ऊपर हमें एक मतलब अनएक्सेप्शनेबल एक लेक्चर दिया, एक निरपवादित लेक्चर दिया, एक ऐसा लेक्चर दिया जिसपे कोई भी एक्सेप्शन नहीं उठाया जा सकता, जिसमें कोई भी अपवाद नहीं था। तो निरअपवादित उसने एक हमें लेक्चर है वो दिया, मतलब बहुत शानदार भाषण उसने दिया, बहुत शानदार तरीके से उसने हमें वो पाठ है वो पढ़ाया। द स्क्वाड लिसन इन ए काउड हॉरिफाइड काइंड ऑफ साइलेंस, कि द स्क्वाड मतलब जो सिपाहियों की टुकड़ी थी, जो स्क्वाड था वो लिसन उसने सुना, इन ए काउड, काउड मतलब एकदम डराने वाली, हॉरिफाइड भी एकदम भयानक जो डराने वाली होती है उस शांति के बीच में, कि एकदम भयंकर भयभीत करने वाली डराने वाली शांति के बीच में स्क्वेड जो था उसने सुना, उस सिपाहियों की टुकड़ी ने उस लेक्चर को सुना। कॉर्पोरल टर्नबुल स्टूड एंड वॉच्ड, कॉर्पोरल जो टर्नबुल था वो स्टूड मतलब खड़ा हुआ एंड वॉच्ड, और वो देखता रहा, इम्पैसिव एक्सेप्ट फॉर अ सर्चिंग इंटेंटनेस ऑफ गेज, कि इम्पैसिव एक्सेप्ट फॉर अ सर्चिंग इंटेंटनेस ऑफ गेज, गेज मतलब घूरना, जो कॉर्पोरल जो टर्नबुल था वो एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, फॉर ए सर्चिंग, सर्चिंग मतलब ढूंढना, इंटेंट होता है एक इरादा रखना, जिज्ञासापूर्ण जो दृष्टि होती है उसके साथ में, कि जो कॉर्पोरल टर्नबुल है वो सिवाय एक जिज्ञासापूर्ण दृष्टि के सिवाय, ये जिज्ञासापूर्ण दृष्टि के सिवाय एकदम इम्पैसिव होकर के,
मतलब भावना सुनने होकर के वो वहां पे खड़ा रहा और देखता रहा जो कॉर्पोरल टर्नबुल था। बाकी सबने तो एकदम चुप्पी के साथ में सुना और चुप्पी भी कैसी थी, एकदम डराने वाली थी। लेकिन जो कॉर्पोरल टर्नबुल था वो वहां पे खड़ा रहा और वास्ट वो देखता रहा। किस प्रकार से देखता रहा? एक जिज्ञासापूर्ण दृष्टि के इंटेंटनेस ऑफ गेज, मतलब एकदम जिज्ञासापूर्ण दृष्टि के साथ में वो बिना किसी भावना के, इम्पैसिव होता है, भावना शून्य होकर के वो वहां पे खड़ा रहा, देखता रहा। When the lecture was finished, जब लेक्चर फिनिश हुआ, जब जो व्याख्यान है वो खत्म हुआ, ई सेड, उसने कहा थैंक यू प्राइवेट क्वेल्च, की धन्यवाद प्राइवेट क्वेल्च, फॉल इन विद अदर्स नाउ, कि अब दूसरों के साथ में खड़े हो जाओ, वहां पे चले जाओ। He did not speak again until we had fallen in and were waiting to be dismissed. कि he did not speak again, वो दोबारा से नहीं बोला, until जब तक कि we had fallen in, जब तक कि हम वहां पे मतलब खड़े रहते उस टाइम तक वो दोबारा है वो नहीं बोला था। एंड वर वेटिंग टू बी डिसमिस, और हम डिसमिस किए जाने का मतलब हमें लौट जाने का, हमारी जो बारी है वो खत्म हो जाने तक हमने इंतजार किया। देन ही एड्रेस्ड अस, और फिर उसने हमें एड्रेस किया, हमें संबोधित किया, कि एज सम ऑफ यू मे हैव हर्ड, कि एज सम ऑफ यू, कि जैसे कि कुछ लोग हैं, आप में से जो कुछ लोग हैं उन्होंने हर्ड मतलब सुन लिया। ही बिगेन डेलिबरेटली, वो डेलिबरेटली मतलब एकदम सोच समझ करके वो बोलने लगा। द प्लेटून ऑफिसर हैज आस्क्ड मी टू नॉमिनेट वन ऑफ यू फॉर, कि जो प्लेटून ऑफिसर हैज आस्क्ड मी, उसने मुझे कहा टू नॉमिनेट करने के लिए, मनोनीत करने के लिए वन ऑफ यू, कि आप में से एक व्यक्ति को नॉमिनेट करने के लिए प्लेटून ऑफिसर ने मुझसे कहा। और फिर वो रुक गया आगे। ही पोज्ड, वो रुका एंड लुक्ड लिंगरली अप, और वो एकदम लिंगरली मतलब एकदम से इधर उधर वो देखता रहा। थोड़ी देर के लिए वो एकदम से मतलब इधर उधर ऐसे सोचते हुए लुक अप एंड डाउन मतलब इधर उधर देखता रहा। द रैंक्स, उन रैंक्स को मतलब उन सिपाहियों को वो एकदम से देखता रहा इधर उधर करके। एज इफ सीकिंग फाइनल कन्फर्मेशन ऑफ ए डिसीजन, एज इफ जैसे कि सीकिंग ढूंढ रहा हो फाइनल कन्फर्मेशन, मतलब एकदम अंतिम पुष्टि को ढूंढ रहा हो ऑफ ए डिसीजन, अपने डिसीजन की, अपने निर्णय की, जैसे कि अंतिम पुष्टि को देख रहा हो, क्योंकि उसको प्लेटून ऑफिसर ने एक व्यक्ति को नॉमिनेट करने के लिए कहा, और किस बात के लिए नॉमिनेट करने के लिए कहा वो चीज उसने अभी बताई नहीं। सो दिस वॉज द ग्रेट मोमेंट, कि इसलिए ये एक ग्रेट मोमेंट था, ये एक महान क्षण था। मोस्ट ऑफ अस कुड नॉट हेल्प ग्लेंसिंग एट प्राइवेट क्वेल्च, कि हमें से जो अधिकतर जो लोग थे वो प्राइवेट क्वेल्च की तरफ देखने से रोक नहीं पाए, मतलब हम सब लगभग प्राइवेट क्वेल्च की तरफ देख रहे थे। वी स्टूड रिजिडली टू अटेंशन, कि हम रिजिडली मतलब एकदम से दृढ़तापूर्वक हम अटेंशन होकर के, सावधान होकर के खड़े रहे। एंड स्टेयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, और हम उसकी तरफ इन फ्रंट ऑफ हिम मतलब उसके सामने स्ट्रेट होकर के, सीधे होकर के स्टेयर मतलब घूरा, हम लोग है वो प्राइवेट क्वेल्च की तरफ घूरते रहे। विद एन एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ कॉन्शियस इनोसेंस, कि सेल्फ कॉन्शियस मतलब जो आत्म जो चेतना होती है, एक निर्दोष आत्म चेतना के भाव के साथ में हम उसकी तरफ सीधे देखते रहे, घूरते रहे, किसकी तरफ? प्राइवेट क्वेल्च की तरफ। अब देखो डॉट 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 के साथ में वापस से लाइन शुरू हुई है कि किसके लिए उसको नॉमिनेट करना था, फॉर परमानेंट कुक हाउस ड्यूटी, एक परमानेंट एक स्थायी कुक हाउस ड्यूटी के लिए, भोजनशाला में स्थायी सेवाओं के लिए उसको किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करना था। आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया, मैंने निश्चय किया है कि प्राइवेट क्वेल्च इज जस्ट द मैन फॉर द जॉब, कि प्राइवेट क्वेल्च ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति है इस काम के लिए, इस जॉब के लिए। ऑफकोर्स वास्तव में इट वॉज ए जॉक फॉर डेज आफ्टरवर्ड, कि ये एक जॉक था आफ्टरवर्ड, मतलब कुछ दिनों तक ये चीज है वो एक जॉक के रूप में रही, एक चुटकुले के रूप में हुआ करती थी। ए जॉक एंड ए जॉय टू ऑल ऑफ अस, हम सबके लिए एक जॉक और एक जॉय, एक खुशी की बात थी और एक हम लोगों के लिए वो जॉक भी था। आई रिमेम्बर, मुझे याद है, दो यद्यपि कि मुझे याद है, माई फ्रेंड ट्रॉर एंड आई वर टॉकिंग अबाउट इट ए फ्यू डेज लेटर, कि कुछ दिनों बाद तक मैं और मेरा जो फ्रेंड ट्रॉर है वो इसके बारे में बात कर रहे थे। वी वर रिटर्निंग फ्रॉम द कैंटीन टू आवर ऑन हट, कि हम कैंटीन से खाना खा करके कैंटीन से हम अपने हट की तरफ हम लौट रहे थे। वेल अच्छा, ट्रॉर रिमार्क एज वी पास द कुक हाउस, की जैसे हम कुक हाउस के पास से गुजरे, ट्रॉर ने रिमार्क मतलब टिप्पणी करी, उसने बात की कि आई रेकन दैट ग्रीजर्स हैड हिज जॉब स्टॉप फॉर अ बिट, कि आई रेकन मतलब मैं चाहता हूँ कि ये रेकन मतलब बंद हो गया, और द ग्रीजर आई रेकन दैट ग्रीजर्स हैड हिज जॉब स्टॉप फॉर अ बिट, कि ये जो अनोखा व्यक्ति था उसने मतलब स्टॉप मतलब वो रुक गया होगा, जो गीजर मतलब जो एक ये जो प्राइवेट क्वेल्च है उसके लिए आया है, तो ये जो गीजर है जो मतलब ये जो
व्यक्ति है, ये जो प्राइवेट क्वेल्च है, ये जो अनोखा व्यक्ति है, उसका मुंह है वो थोड़ी टाइम के लिए वो बंद हो गया होगा, ऐसा मतलब मैं सोचता हूँ, आई रेकन, मतलब मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ, मैं गेस करता हूँ कि जो प्रोफेसर है, जो एक अजीब सा व्यक्ति है, उसका मुंह है वो थोड़ी देर के लिए, फॉर ए बिट, मतलब थोड़ी देर के लिए बंद हो गया होगा, आए क्यों, मतलब यहाँ पे ये भाई के लिए आया है। तो आई डिड नॉट आंसर, मैंने आंसर नहीं दिया, मैंने उत्तर नहीं दिया, बट टुक हिज आर्म, मतलब मैंने अपनी उसकी जो आर्म है, हिज मतलब उसकी, अपने जो फ्रेंड की आर्म है उसको टुक मतलब पकड़ा, एंड पॉइंटेड टू द कुक हाउस, और कुक हाउस की तरफ इशारा किया। थ्रू द ओपन डोर वी कुड सी द थ्री कुक स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल एज इफ एट बे, कि थ्रू द ओपन डोर मतलब खुले हुए दरवाजे के माध्यम से, वी कुड सी हम देख सकते थे, थ्री कुक्स उन तीन कुक्स को, तीन रसोइयों को हम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल दीवार के सहारे खड़े हुए हम देख सकते थे, एज इफ जैसे कि एट बे मतलब एकदम से निराशापूर्ण स्थिति में हो, वो एकदम उदास खड़े हो, ऐसे हम उनको देख सकते थे क्योंकि दरवाजा खुला था। एंड फ्रॉम विद इन केम द माउंटेनियस बीट ऑफ ए फेमिलियर वॉइस, और एक फेमिलियर वॉइस आई, एक चिर परिचित आवाज है वो हमें सुनाई दी, माउंटेनियस मतलब एकदम नीरस थी, निराशापूर्ण स्थिति में, फ्रॉम विद इन उस अंदर से केम मतलब आई, कि उसके अंदर से एक चीर परिचित एक आवाज है, एक नीरस ध्वनि के साथ में एक चीर परिचित आवाज है वो सुनाई दी, और वो आवाज क्या बोल रही है कि रियली वास्तव में आई मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस अबोमिनेबली अनसाइंटिफिक एंड अनहाइजेनिक मेथड ऑफ पीलिंग पोटेटोज। तो वो प्राइवेट क्वेल्च बोल रहा है कि वास्तव में कि आई मस्ट प्रोटेस्ट, कि मैं विरोध करूंगा, अगेंस्ट विरोध करूंगा दिस अबोमिनेबली अनसाइंटिफिक, कि ये जो अवैज्ञानिक जो तरीका है, एक घृणित अबोमिनेबली मतलब घृणित, जो अवैज्ञानिक और अनहाइजेनिक मतलब ये जो अस्वास्थ्यकर जो तरीका है किस चीज का, पीलिंग पोटेटोज आलू छीलने का, ये जो घृणित अवैज्ञानिक और जो अस्वास्थ्यकर जो तरीका है, मैं इसका विरोध करूंगा, मुझे इसका विरोध करना चाहिए। आई नीड ओनली ड्रा योर अटेंशन टू द शियर वेस्ट ऑफ विटामिन वैल्यू, कि आई नीड मुझे आवश्यकता है किस चीज की, ओनली ड्रा योर अटेंशन आपका ध्यान खींचने की, किसकी तरफ, टू द शियर वेस्ट ऑफ विटामिन वैल्यू, की जो विटामिन के जो महत्वपूर्ण तत्व है उनकी वेस्टेज के ऊपर, उनकी जो बर्बादी है उनकी तरफ मैं आपका ध्यान है वो खींचना चाहता हूँ। वी फ्लैट, और हम भाग गए, मतलब उस कुक हाउस में भी वो अपनी जो इंटेलिजेंस है वहां पे शो कर रहा है, उनको बार बार में रोक रहा है, उनको पता नहीं क्या क्या सिखा रहा है कुक हाउस में जाकर के भी। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति की स्टोरी है जो कि बहुत अधिक जानता है, आवश्यकता से अधिक जानता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है, पढ़ाया हो, अच्छा लगा है, पसंद आया, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।